अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में जो हम स्पोकन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे दैट इज़ ऑल अबाउट कीन ऑन एंड फॉन ऑफ। ये दोनों स्पोकन स्ट्रक्चर उस वक्त यूज़ होंगे जब हम किसी को ये बताना चाहें कि हम ये काम करने के बहुत ज़्यादा यानी शौकीन हैं और हम इस चीज़ के बिना नहीं रह सकते। इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं जैसे कि मैं जो है आई एम अ टी लवर, लेकिन मैं ऐसी टी लवर हूँ कि मुझे बिस्किट्स के बगैर जो है चाय पीने का मज़ा नहीं आता। चाय मैं तभी पीती हूँ चाहे वो एक बिस्किट क्यों ना हो। सो देखा जाए तो मैं शौकीन किसकी हुई, टी की या बिस्किट्स की? ऑब्वियसली बिस्किट्स की। सो मैं ये कह सकती हूँ आई एम फॉन्ड ऑफ हैविंग टी विद बिस्किट्स, यानी कि मैं जो हूँ बिस्किट्स के अलावा टी नहीं पी सकती, ये मेरा है। तो आई एम अ कीन लर्नर, ठीक है। कीन लर्नर यानी कि कीन जो है ना, कीन ऑन या इसके आगे कोई भी आप अगर एडजेक्टिव लगा देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप उस काम को करने के शौकीन हैं। जैसे कि ये आई एम अ कीन कुकर, यानी कि अगर कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है तो फिर आप ये कह सकते हैं। ये न्यू एडिशनल एडवांस इंग्लिश के वर्ड्स हैं, लेकिन यह है कि कीन ऑन भी उसी वक्त यूज़ होगा। जैसे कि आई एम ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई के लिए कीन ऑन यूज़ होगा। शौकीन अगर आप किसी एक्टिविटी में स्पोर्ट्स में इंडल्ज हैं और आपने उसको शो करना है तो आप कीन ऑन को यूज़ कर लीजिए, रिकमेंडेड है। और अगर आप जो है बाकी एक्शंस को लेके जैसे कि खाने पीने किसी चीज़ के घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, उस वक्त आप फॉन्ड ऑफ यूज़ कर लें। लेट्स मेक सम एग्जांपल्स टू मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा जी, आई एम फॉन्ड ऑफ हैविंग टी विद बिस्किट्स, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग कड़ी पकौड़ा, या आई लव कड़ी पकौड़ा। डू यू लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो। एनी वेज, आई एम कीन ऑन टीचिंग, ही इज़ कीन ऑन लर्निंग। सो अब लर्निंग जो भी सब्जेक्ट आप बता सकते हैं, ही इज़ कीन ऑन लर्निंग इंग्लिश, सिंधी, उर्दू, डच, स्पेनिश, फ्रेंच, वट एवर लैंग्वेजेस। ओके, सो योर टास्क इज़ टू मेक एटलीस्ट टू एग्जाम्पल्स ऑफ कीन ऑन एंड फॉन्ड ऑफ। उसके बाद जो है फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्पोकन स्ट्रक्चर बताऊँगी। फॉर्मूला मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर देती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, और आप लोग जो है मुझे दो दो एग्जाम्पल्स बना के दें कीन ऑन की और फॉन्ड ऑफ की। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।